हेलो फ्रेंड्स, टीचिंग दुनिया यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानक स्वागत। आज आम ए वीडियो डेली जनरल नॉलेज क्विज रो डे 8 रो 10 टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन विषय जानी परबा। लास्ट डे रो क्वेश्चन थिला व्हिच प्लेस इज कॉल्ड एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। क्यों प्लेस को सिलिकॉन वैली बोली कहा जाए? यार सटीक आंसर हबो बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 71 रही। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोली कहा जाए? यार सटीक आंसर हम राजा राममोहन राय, जहाँ कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोली कहा जाए, जी कि ब्रह्म समाज प्रतिष्ठा करते। कौन ब्रह्म समाज केबे प्रतिष्ठा करते? 1828 1828 रे ब्रह्म समाज प्रतिष्ठा करते राजा राममोहन राय। देन क्वेश्चन नंबर 72 रही। कोका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय हुम। जो कोका मूवमेंट होता पंजाब रे, जो कोका मूवमेंट होता कौटी पंजाब किए ऑर्गेनाइज करते? यार सटीक आंसर पर गुरु राम सिंह। किए? गुरु राम सिंह ऑर्गेनाइज करते कोका मूवमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 73 रही। इबन बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ कहा समय रे? इबान बतूता जी कि इबान बतूता किए थे ना मोरक्को ट्रैवलर, मोरक्को ट्रैवलर जी कि इबान बतूता से कहा समय रे आसते? यार सटीक आंसर हम मोहम्मद बिन तगलक। मोहम्मद बिन तगलक को समय रे किए आसते? इबान बतूता जी कि मोरक्को ट्रैवलर। देन क्वेश्चन नंबर 74 रही। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। किए विथ ट्रुथ बुक रो अथर? यार सटीक आंसर हम एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी होती द अथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। एंड क्वेश्चन नंबर 75 रही। हु हैड एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया फास्ट। फास्ट टाइम किए नेशनल इनकम एस्टिमेट करते इंडिया रे? यार सटीक आंसर हम दादा भाई नारोजी, जेकि नेशनल इनकम फास्ट काल्कुलेट करते, जहाँ को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोली कहा जाए। कौन कहा जाए? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रांड मोड ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोली दादा भाई नारोजी को बोली आम जानते हैं। आउ जी कि ड्रेनेज ड्रेन थ्योरी मध्य देते दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी ड्रेन थ्योरी भी देते। क्वेश्चन नंबर 76 महालनोबिस मॉडल हैज बीन एसोसिएटेड विथ व्हिच फाइव ईयर प्लान। जो महालनोबिस मॉडलटा क्यों फाइव ईयर प्लान रे एसोसिएट कर क्यों फाइव ईयर प्लान महालनोबिस दे थी? यार सटीक आंसर सेकेंड फाइव ईयर प्लान, सेकेंड फाइव ईयर प्लानटा किए दे महालनोबिस मॉडल दे पीसी महालनोबिस, जोटा कि सेकेंड फाइव ईयर प्लान जो थी कि इंडस्ट्री उपर डेवलप कर इंडस्ट्री उपरे फोकस कराई थिला, जहाँ कि 1956 टू 61 पर्यंत होता सेकंड फाइव ईयर प्लान। 1956 टू 1961 सेकंड फाइव ईयर प्लान। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान रे एग्रीकल्चर उपरे डेवलपमेंट आने पर कराई थिला, सेकंडटा होची इंडस्ट्री। देन क्वेश्चन नंबर 77 रही। द स्लोगन गरीबी हटो गरीबी उन्मूलन जब पॉवर्टी इराडिकेशन वाज गिवन इन व्हिच फाइव ईयर प्लान। जो पॉवर्टी इराडिकेशन क्यों फाइव ईयर प्लान कराई पॉवर्टी इराडिकेशन टा गरीबी हटाओ यहाँ फिफ्थ फाइव ईयर प्लान गरीबी हटाओ जोटा कि गरीबी उन्मूलन स्लोगन दि जाइए फिफ्थ फाइव ईयर प्लान, जहाँकि 1974 टू 79 पर्यंत होता फिफ्थ फाइव ईयर प्लान। क्वेश्चन नंबर 78 द फास्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा इज डैक्स। किए फास्ट फीमेल स्पीकर लोकसभा फास्ट फीमेल स्पीकर किए? मीरा कुमार। 78 सटीक आंसर हम मीरा कुमार, जो कि फास्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। यदि फास्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कहले आम कह जी भी मावलांकर। किए फास्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा?
जी भी मवलंकर। किंतु यदि ओमेन कहिले ताहले आमे मीरा कुमार बोली तार आंसर देबा। देन क्वेश्चन नंबर 79 रहिछि, व्हाट इज द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा मेंबर पर टर्म केत रहिछि, तार कार्यकाल केत रहिछि गोटे मेंबर रो। यार सटीक आंसर बस 6 ईयर, 6 वर्ष रहिछि तांकर टर्म रहिछि। किंतु राज्यसभा हे परमानेंट हाउस, जेटा कि अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट राज्यसभा, जार टर्म रही मेंबर मानकर 6 इयर्स, प्रति 2 वर्ष थरे आफ्टर 2 इयर्स 1/3 मेंबर रिटायर करते, केते तीन भाग एक भाग मेंबर रिटायर करते और कार्यकाल 6 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 80, लैटिट्यूड ऑफ प्लेस इज इंडिकेट्स ऑफ इट्स डेक्स। लैटिट्यूडटा कौन इंडिकेट करते हैं, अक्षांश, अक्षांश कौन इंडिकेट करते हैं, टेम्परेचर। आम अक्षांश देखिक आम जानपर कौ जगह टेम्परेचर के टेम्परेचर जापर के डिग्री अच्छी। क्वेश्चन ऑफ द डे रही, महानवीस मॉडल हैज बीन एसोसिएटेड विथ व्हिच 5 ईयर प्लान। जो महानवीस मॉडलटा क्यों 5 ईयर प्लान दे महानवीस मॉडल, यार सठिक आंसर कौन हम ताकि आप कमेंट बक्स में कमेंट कर जानवे। जदि भिडियो भल लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और टीचिंग दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।